गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर रीडिंग अबाउट एट काइंड ऑफ प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज टू जॉइन वन फ्रेज और क्लॉज टू अनदर फ्रेज और क्लॉज, एंड सम ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन्स आर हु, हुम, दैट, विच, हुज, एक्सेट्रा। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, हु इज यूज फॉर पर्सन, हु इज यूज फॉर पर्सन्स, विच इज यूज फॉर things, and that can be used for both for persons and things. Okay dear students, and relative clauses are of two kinds, defining or non-defining. Okay dear students, look on the following tables for uses of relative pronouns in defining or non-defining clauses. डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग, इसमें तीन थ्री काइंड्स ऑफ केसेस, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव इन लेफ्ट साइड, एंड डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग पर्सन एंड थिंग्स। फॉर पर्सन्स, हु, हुम, हुज इज यूज फॉर थिंग्स, विच ऑफ विच हुज इज यूज, एंड डिफाइनिंग ओनली पर्सन एंड थिंग्स दैट इज यूज। ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट वर्ड्स इज यूज फॉर पर्सन एंड थिंग्स। I hope you understood about it. You have to read it very carefully about relative pronouns, and then you can ask if you have any query, dear students. Thank you.